भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, और ना ही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द आपको ये पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मिलेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं होता, आप इनका मैनिफेस्टो खुद जाकर देख सकते हो कांग्रेस की वेबसाइट पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। कंट्रोल एफ करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्च करने की कोशिश करना, कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि ये 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए, उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये खुद 5 भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद 3 भाई और 3 बहन है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं।